आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग। तो गाइस इस वीडियो में गाइस मैं 10 घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ, वो भी सिर्फ फिजिक्स। तो गाइस लेट्स ट्राई करते हैं कि देखते हैं गाइस मैं क्या कर पाता हूँ या नहीं। आपने गाइस स्टार्टिंग में देखा था, मैंने अभी टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे 11 बज रहा है और मैंने गाइस पहली क्लास अपनी कर ली है जो कि 2 घंटे मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने पढ़ाई कर लिया है। 1 घंटे मैंने खाना खाया और पूरा फ्रेश हो गया। फिर गाइस अभी से लेकर हमें अभी बज रहा है 11:10 हो रहा है, 11:10 से लेकर हमें गाइस 2 बजे तक करना है, 11 से 1 और 1 से 3, मतलब 3 बजे तक हमें पढ़ाई करनी है। तो लेट्स सी देखते हैं एंड बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। तो देखते हैं गाइस चैलेंज कंप्लीट होता है नहीं होता है। लैपटॉप हमारा गाइस लगभग चार्ज है एंड गाइस सारा सेटअप रेडी है। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि पता ना टाइम लैप्स काफ़ी छोटा होता है, लेकिन गाइस मुझे 2 घंटे कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब लास्ट के गाइस आधे घंटे बर्दाश्त नहीं होता, लगता है यार अब कुछ हट जाए, अब कुछ हट जाए, अब पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन गाइस मुझे करना पड़ता है एंड गाइस आज का चैलेंज कंप्लीट करना है हमें। तो वेल गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो एंड मैं टेलीपोर्ट लगाता हूं यहां पे एंड आप गाइस एंजॉय करो इस ब्लॉग। करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन पान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। गाइस तो हमने कर लिया काफी ज्यादा पढ़ाई एंड गाइस ये देखो मैं क्या लाया हूँ, मैं लाऊंगा इस बनाना शेक जो कि मैंने बना लिया है अभी। गाइस ये रहा वो शेक है, देखो इस कितना मस्त लग रहा है अभी अंदर में, इसको पीते हैं फिर गाइस स्टार्ट करते हैं अभी सेकंड वाला जो कि अभी 4 से 6 करना है हमें क्लास, तो फिर इन्जॉय करते हैं 4 से 6 वाला क्लास को। तो वेल गाइस स्टार्ट करते हैं, पहले ये पी लेते हैं, मस्त लग रहा है वैसे ये। गाइस तो थोड़ा देर वाला चिल कर लेते हैं एंड देखो गाइस बनाना शेक वही वाला जो मैंने उसमें पिया था, उसको मैंने थोड़ा और डाल लिया था फ्रिज में एंड गाइस अभी लुक देखो कितना मस्त लग रहा है। स्काई कलर देखो यार, बारिश अभी मतलब थोड़ी देर पहले हुआ था इसलिए वहाँ पे थोड़ा अंधेरा लग रहा था रूम में, देखो गाइस जस्ट बारिश हुआ है अभी एंड गाइस मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ बनाना शेक एंड ये देखो बनाना शेक देख रहे हो यार मस्त, फ्रिज का आपको ठंडा ठंडा लग रहा होगा। कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध आचार्य जी इसी कैसी बात पूछते हैं बे हम तुम्हें आईआईटी पे ले जाना चाह रहे हैं तुम कह रहे हो कि सर हमको हमको अपने गवर्नमेंट स्कूल में टॉप मारना है अबे कैसी बात कर रहे हो बे स्पीडोमीटर क्या होता है भैया भुरुम भुरुम जिसमें देखते हैं भुरुम 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 जिसमें देखा जाता है फाइनली गाइस हमारा चैलेंज हो चुका है कंप्लीट यहाँ पे गाइस कुछ टाइम में इशू हुआ था मेरा घड़ी खराब हो गया था वहाँ पे बीच बीच में मतलब कांटा यूज़ करना तो आगे नहीं बढ़ा था लेकिन ऐसे तो रियल टाइम क्या हो रहा है अभी देखो सो देखो यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 8:32 हो गया अभी एंड ये भी देख सकते हो गाइस यहाँ पे टाइम देखो यहाँ पे टाइम अभी जस्ट कितना हो रहा है 6:30 करीबन हो रहा है इसमें मतलब कि टाइम ऊपर नीचे ही हो रहा है इसका मतलब घड़ी में कुछ इशू है लेकिन चैलेंज कंप्लीट हो चुका है इसके बाद मैं थोड़ा नोट्स रिवीजन करूँगा मतलब 9 बजे तक 9:30 तक तो वो मतलब चैलेंज कंप्लीट हो ही जाएगा जो कि टाइम मतलब सही रहा स्टार्ट हुआ था 4 से एंड टाइम इसका हो गया तो गाइस फाइनल चैलेंज चुका कंप्लीट तो गाइस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो भाई लाइक कर देना चैनल पर अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं वीडियो में तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय।